भाई फिरंगी टूरिस्ट भी दिख रहे हैं भाई, अंग्रेज अंग्रेज भी दिख रहे हैं आज तो शहर में। ये मुझे बोटिंग करवा रहे हैं, अरे इन्हें पता ही नहीं है रोज आता हूँ यहाँ। सो हाय गाइस, क्या हाल है सभी का, आई होप यू ऑल आर गुड। सो वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वक्त मैं हूँ यहाँ के रिक्शा स्टैंड के पास। बाकी क्या यार, कल थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी तो पता नहीं कैसी वीडियो लगी होगी, बस मुझे बनानी थी तो बना दी। बाकी आज क्या क्या हो रहा है शहर में वो देखते हैं। और आज काफ़ी ग्रुप्स दिख रहे हैं नैनीताल शहर में, क्योंकि अब ग्रुप्स का भी तांता जो बढ़ जाएगा आने वाले दिनों में, अक्टूबर में खासकर, क्योंकि बंगाली सीजन शुरू हो जाता है। काफ़ी स्कूल से ग्रुप्स आते हैं, मतलब भारी भारी संख्या में ग्रुप आते हैं, वो देखते हैं। और आज भी एक आध ग्रुप दिख ही रहा है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। रिक्शा स्टैंड के ना ऊपर ही तीन चार कैफे हैं अच्छे अच्छे, जैसे कैफे हिमालया है, इसके आगे थोड़ा और आगे को चलेंगे चॉकलेट रूम करके, और एक है 1944 भाई, ये है सेकलिस। काफ़ी लोग ढूंढते हैं, तो देखो नीचे ये रोड है और नीचे रिक्शा स्टैंड है और उसी के ऊपर है ये। आज स्कूल के बच्चों की आउटिंग भी है, बिरला विद्या मंदिर करके स्कूल है, अच्छा स्कूल है, तो उसकी आउटिंग है, तो बच्चे काफ़ी दिख रहे हैं स्कूल के अंदर। तो ये रहा सेकलिस भाई, इसको काफ़ी लोग ढूंढते हैं कि कहाँ पर को है। सिंस 1944 से इसे लगा सकते हो कि कितनी पुरानी शॉप है, ये कैफ़े है, मतलब काफ़ी लोग आते हैं। बाकी मैं बोल रहा था ना ग्रुप्स, देखो एक ग्रुप ये दिख रहा है बच्चों का, कहीं बाहर से आया हुआ होगा। तो रिक्शा स्टैंड तो खैर नीचे ही है, रिक्शा स्टैंड के ठीक ऊपर जो है ये सारे कैफ़े मिल जाएंगे। मतलब वैसे तो मॉल रोड में भी बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं लोग कैफ़ेज़ वैफेज़ में। तो यहाँ स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से सबको यहीं पर रोका है, सेफ़ जगह भी है। खैर रोड नीचे है, यहाँ पर पूरा खाली रहता है ये एरिया, और काफ़ी टाइम स्पेंड करने के लिए भी अच्छी जगह है, थोड़ी देर आप रुक सकते हो यहाँ पर। तो स्कूल के बच्चे अच्छे दिख रहे हैं। ये ग्रुप वाला सेगमेंट भी अब इन दिनों शुरू हो जाएगा, लाइक अक्टूबर में तो हो जाएगा शुरू। बहुत सारे ग्रुप, स्कूल्स के ग्रुप आते हैं, कॉलेजेस के ग्रुप आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के ग्रुप आते हैं, मतलब स्कूल नैनीताल घुमाने के लिए बहुत लोग मतलब लाया जाता है। और बाकी आज शहर में तो बहुत ज़्यादा चहल पहल हो रही है। अभी चलते हैं पहले बोट स्टैंड की तरफ को, बाकी फिर थोड़ा बहुत देखते हैं कहाँ को मंडराएंगे। स्कूल के आज काफ़ी बिरला के जितने भी बच्चे हैं सब दिख रहे हैं, क्योंकि आउटिंग हुई पड़ी हुई है। बाकी क्या है, लुंडा मार्केट में भी काफ़ी हल्की फुल्की भीड़ तो है ही रोज़ाना की तरह, और टूरिस्ट भी काफ़ी दिख रहे हैं आज भी। इधर भी गरम गरम कपड़े, अब बहुत सारे गरम कपड़े भी बिकने लग गए हैं। अमूमन क्या हो रहा था कि उस टाइप के गरम कपड़े नहीं दिख रहे थे यहाँ पर, अब क्या कि मोटे मोटे गरम गरम कपड़े भी दिखने लग गए हैं। और ये देखो शॉल्स, मतलब सही रेट पे मिल जाता है यार। मैंने एक बार पूरी एक स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाई थी जिसमें भाई 100-100 रुपए में कपड़े मिल रहे थे, तो एक बार मैंने ख़रीदा था। तो ये देखो ये ट्रैक पैंट्स भी मिल रहे हैं, ये भी 200-250 रुपए में मिल जाते हैं सही रेट में। बाकी इधर शूटिंग वूटिंग का भी मामला चल रहा है, मतलब आप अपने आपको दिखाना चाह रहे हो तो शूटिंग वूटिंग भी चल रही है। ये मुझे बोटिंग करवा रहे हैं, अरे इन्हें पता ही नहीं है रोज़ आता हूँ यहाँ पर। चलो कोई नहीं, हंसने लग गया भाई वो, खैर चलो शक्ल मेरी टूरिस्ट जैसी लगती होगी तो अच्छा ही है। खैर तो आ चुके हैं हम बोट स्टैंड की तरफ को। देन आज के मौसम की बात करें ना, दिन में जा रहा है 16-17 डिग्री के आसपास, और शाम को हो रहा है 13 डिग्री के आसपास टेम्परेचर। तो नैनीताल अगर प्लान कर रहा आना तो भाई ठंड हो रही है शाम को, तगड़ी वाली ठंड। मुझे भी अभी भाई बीच में बहुत सही, मतलब तगड़ी वाली ठंड लग गई थी, तो कल देखा होगा वीडियो अगर किसी ने तो, यार बीमार पड़ गया था भयानक वाला, फिर दवाई ववाई खाई तब जाके थोड़ा सही हुआ हूँ यार आज। तो अभी भी है खैर हल्की फुल्की सर्दी, लेकिन वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि यार यहाँ की शाम बहुत ही ठंडा हो जाता है यार। अच्छा पता है मुझे ठंड क्यों लग गई, इस बीच ना मैं ठंड में भी, मतलब जब बारिश पड़ रही थी ना उसमें ही व्लॉगिंग कर रहा था, तो उसके चक्कर में यार ठंड पकड़ गई और मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मैंने बताया था ना यहाँ की ठंड यार ऐसी होती है भाई, बहुत तगड़ी वाली ठंड होती है तो बीमार कर देती है, तो थोड़ा सा यार हो ही गया था मामला ख़राब। मछलियों की लड़ाई चल रही है कुछ खाने के लिए, और यहीं पर मछलियों ने तो यहीं डेरा बना लिया है अपना, कि जो आएगा इन्हें खिला ही देता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ। तो बोट से उतरते वक्त खासकर ध्यान रखना चाहिए यार। एक बार अभी बीच में ना एक हादसा हो गया था, ऐसे ही बोट से एक बुज़ुर्ग महिला मतलब उतर रही थी और सीधे वो लेक में गिर गई। फॉर्चुनेट ये था कि उन्होंने लाइफ जैकेट इस तरीके से पहनी हुई थी, ये अच्छा है कि लाइफ जैकेट पहनाते हैं, देखो सबको लाइफ जैकेट पहनाते हैं। तो जैसे ये मैडम उतर रही हैं तो कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है बोट में, ये तो खैर सेफली उतर गई क्योंकि बोट थोड़ी बहुत डगमगाती भी है ना, तो इस चक्कर में भाई थोड़ा सेफली उतरना चाहिए बोट से। और एक दो बार हादसा हो गया है तो उसके बाद थोड़ा सा ये लाइक चढ़ते वक्त भी और उतरते वक्त भी ध्यान रखना ही चाहिए। कॉस्ट्यूम पहनकर फ़ोटो किस तरीके से खींची जा सकती है, तो यहीं पर आपको बहुत से फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे 150 रुपये में, ये एक आपको खुद फ़ोटो मतलब खुद देंगे विथ कॉस्ट्यूम। सो 150 रुपये इसका करीब रेट है, बाकी ये भी बता दिया भाई। और आज शहर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, मतलब दोबारा से शहर में रौनक लौट आई है, तो ये अच्छा लग रहा है भाई। फिरंगी टूरिस्ट भी दिख रहे हैं भाई, अंग्रेज़ अंग्रेज़ भी दिख रहे हैं आज तो शहर में।
तो फिरंगी टूरिस्ट भी नैनीताल शहर में आ चुके हैं और बाकी बहुत ज़्यादा, आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है शहर में, ये अच्छा है। खैर, नैनीताल शहर के लिए काफ़ी दिनों से इतना मतलब नहीं दिख रहा था टूरिस्ट, आज अचानक से उमड़ आया है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में ना वेदर भी सही रहने वाला है। इस चक्कर में भी ना लोग अब मेरे ख्याल से प्लान कर रहे होंगे, खासकर अक्टूबर में तो बहुत ज़्यादा प्लान करूँगे। एक आज जने ना मुझे टेक्स्ट कर रहे थे, भाई दाढ़ी क्यों रख रखी है यार, दाढ़ी तो हटा लो भाई, मतलब बेड क्यों रखी हुई है। मैंने बताया, देखो भाई ऐसा है, श्राद्ध के बाद हटाऊँगा, अभी 25 तारीख तक तो खैर ये नहीं हटा सकता, तो उसके बाद दाढ़ी वाढ़ी हटाऊँगा, क्योंकि फिर 26 से रामला है, तो उसके भी बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं रामला से रिलेटेड, तो उसमें मैं ये भी दिखाने वाला हूँ खैर कि किस तरीके से मैं रावण का मेकअप करता हूँ। मैं खुद का मतलब खुद ही मेकअप करता हूँ, तो पूरा रिकॉर्ड करूँगा, देखना ये शक्ल कैसे रावण के किरदार में ढल जाती है, तो वो देखना भी मतलब फर्स्ट टाइम होगा, शायद किसी ने करा हो ऐसा या ना, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो खैर पहली बार करने वाला हूँ और बड़ा ही मज़ा आने वाला है भाई। किस तरीके से मेकअप करता हूँ, किस तरीके से वो पूरा मुस्टैच जितना भी बनाता हूँ, बहुत ही अमेजिंग लगता है, और वो कैरेक्टर में आने के बाद तो भाई अलग ही लुक आ जाता है, बिलीव मी मज़ा आएगा। सो देखो, अब दाढ़ी तो खैर अभी भाई 25 के बाद ही हटाऊंगा यार। मैं यहाँ के न्यू कैपिटल सिनेमा के पास, यहीं पर कोई एक अच्छा सा कैफ़े है CSB, तो मतलब अलग अलग तरीके की चाय भाई, हर वैरायटी की यहाँ पर चाय मिल जाएगी। आई लव नैनीताल, हम नैनीताल से प्यार करते हैं। ब्रह्मास्त्र लगी हुई है और माटी पे चढ़ करके उत्तराखंड की एक मूवी आ रही है, ये मेरे ख्याल से लग गई है, बढ़िया है। बाकी आ चुके हैं हम आगे को वीडियो गेम पार्लर की तरफ को, जूमलैंड वाला एरिया जो है, यहाँ पर भी काफ़ी चहल पहल दिख रही है, काफ़ी लोग दिख रहे हैं यार, इधर को भी काफ़ी दुकानें हैं। ये एरिया पूरा बंद कर रखा है अभी, क्योंकि उधर को सब टूटा हुआ है यार, ये पता नहीं कब सही होगा, आफ्टर रेनफॉल ही मेरे ख्याल से सही होगा। तो काफ़ी एक दो लोग गिटार विटार लेके भी बैठे हुए हैं, बढ़िया है। नैनीताल लेक सामने, सुंदर सी सुंदर नैनीताल, बढ़िया है। तो भाई कुछ प्ले करने लग गया है, तो चलो थोड़ी देर सुना जाए, गाने सुनना अच्छे। एक मेरे पास एक क्वेरी ये भी आती है कि नैनीताल को लाइक मेरा रिलेशन और नैनीताल का क्या है, तो उसको मैं एक छोटी सी पोइट्री से डिफाइन कर सकता हूँ कि किसी रिश्ते में अगर ऐसा हो कि तुम बिल्कुल तुम रह सको और मैं एकदम मैं, तो रिश्ते में आज़ादी को मैं प्यार कहूँगा, तो नैनीताल और मेरा रिलेशन कुछ ऐसा है। बात है म्यूज़िक के साथ इस शहर को निहारते रहो। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। फिलहाल म्यूजिक चल रहा है, तो यार सोचा आप यहीं पर रुका जाए थोड़ी देर, बाकी क्या है एट लास्ट आपको क्या कहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो लाल वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आपसे कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए तेरा शुम।